इंटरेस्टिंग पॉइंट अगेन, मतलब आपने कहा सर लास्ट बैलेंस शीट में लास्ट, ये भी बोला था मैंने, ये बैलेंस शीट के बाहर आता है, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स, इट इज शोन एज अ फुटनोट, फुटनोट आउटसाइड द बैलेंस शीट, फुटनोट होता है बैलेंस शीट के नीचे, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। सर हमने तो सर कंटिंजेंट लाइबिलिटीज सुना था, ये कमिटमेंट्स कहां से आ गए, तो वो बेटा सोल प्रोप्राइटरशिप थी ना, तो जहां कंटिंजेंट लाइबिलिटीज हो रहा था, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज विच मे और मे नॉट अराइज, हो सकता है आपको पैसे देने पड़े, हो सकता है आपको पैसे ना देने पड़े, तो बेटर अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है डिस्क्लोज कर दो बेटा, आपकी लाइबिलिटी नहीं है तो आपने लाइबिलिटीज में नहीं दिखाई, ओके, बट कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, हो सकता है पैसे देने पड़ जाएं। एग्जाम्पल कंटिंजेंट लाइबिलिटीज के, क्लेम्स अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, केस चल रहा है आपका मेरा, आपने कह रहा पैसे लेने हैं, कैसे पैसे लेने हैं, कोई पैसे वैसे नहीं देना मैंने आपका, केस चलेगा, देखा जाएगा जो होगा, अभी तक तो नहीं है ना, क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो इट इज अ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक नॉट येट ड्यू फॉर पेमेंट, आपने मुझे बिल दिया, मैंने बैंक के साथ डिस्काउंट करा लिया, तो मैं तो पैसे ले चुका हूं, अब जब मैच्योर होगा तो बैंक आपके पास जाएगा, आपने अगर पैसे देने से मना कर दिया तो मुझे देने पड़ सकते हैं, तो बिल्स डिस्काउंटेड विद द बैंक नॉट येट मैच्योर, मैच्योर हो चुके तो खत्म, फिर मेरी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, अगर मैच्योर अभी नहीं हुए तो हो सकता है देने पड़ जाए। प्रपोज डिविडेंड इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी काम आएगा। प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर, तो करेंट ईयर में आप जो डिविडेंड प्रपोज करते हैं वो एजीएम में, शेयर होल्डर्स मीटिंग में जाके उसका अप्रूवल मिलता है, अगर अप्रूवल मिल गया तो जाके पे होगा नेक्स्ट ईयर में, तो जब तक अप्रूवल नहीं मिला तो आपकी लाइबिलिटी नहीं है। बुक्स क्लोज हो गई 31 मार्च की, तो साल जो आपने प्रॉफिट कमाया था उसके बेसिस पे आपने कैलकुलेट करा कि मैं इतना डिविडेंड दूंगा, अरे तो मीटिंग तो शेयर होल्डर्स मीटिंग तो उसके बाद ही होगी ना, जब आपके रिजल्ट फाइनलाइज हो चुके हैं, तो आप डिविडेंड कैलकुलेट कर चुके हो, प्रपोज कर चुके हो, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, होगा भी तो पेमेंट नेक्स्ट ईयर ही होगी, तो जब तक अप्रूवल आ नहीं जाता आपकी लाइबिलिटी नहीं है, कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। क्या है ये? कंटिंजेंट लाइबिलिटी। तो प्रपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर वो अप्रूव हो चुका है, तो इसलिए करेंट ईयर का जो प्रपोज डिविडेंड है कंटिंजेंट लाइबिलिटी, और कोई भी अगर ऐसी कोई लाइबिलिटी है व्हिच इज कंटिंजेंट इन नेचर, तो एक होता है कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, एक होती है कमिटमेंट्स। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज क्लियर? यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है कमिटमेंट है, ज्यादा हीरो नहीं बन सकते, कंटिंजेंट लाइबिलिटी एंड कमिटमेंट सब इसी में आता है। फिर तो नॉन करेंट एसेट्स सब इसी में आते हैं, स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है या अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज। कमिटमेंट्स, आपने कमिटमेंट दे रखी है कि मैं ये कर दूंगा, कब पता नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, तो अभी आपकी लाइबिलिटी नहीं है बट आगे जाके अराइज हो सकती है। कमिटमेंट, एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड, मुझे प्रोजेक्ट मिला मेट्रो बनानी है यहां से लेके साकेत तक, ठीक है ना, 40% कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है, तो 40% तो हो चुका है, 60% अभी भी पेंडिंग है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लाईओवर बनाते बनाते कोई ट्रेजेडी हो सकती है, टाइम पीरियड में फुलफिल ना हो पाए, कुछ भी है, बट मैंने दिया कमिटमेंट कि ये मैं इस डेट तक कंप्लीट कर दूंगा, तो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिमेनिंग टू बी एग्जीक्यूटेड नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑलरेडी, कि अगर आप ऑलरेडी उसके लिए कहीं प्रोविजन क्रिएट करके बैठे हैं तो आपको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो बचा है, पेंडिंग है, कैपिटल नेचर का, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर इन्वॉल्व एंड लॉन्ग टर्म डैमेजेस मे बी क्लेम और ह्यूज, तो उसके लिए आप डिस्क्लोजर दें, क्योंकि ये कमिटमेंट है आपकी कि ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करेंगे, ये कमिटमेंट है ना कि अभी जो 60% बचा है वो आपने ही कंप्लीट करना है, यस और नो, तो वो कमिटमेंट्स में आता है। अनकॉल्ड लाइबिलिटी ऑन शेयर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स पार्टली पेड, आपने किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं,
अब शेयर के पैसे पार्ट्स में हो सकते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल हो चुके हैं, 3 रुपए भी उन्होंने मांगे नहीं है, कभी भी मांग सकते हैं, तो आपकी तो कमिटमेंट है, आपको तो देने ही पड़ेंगे, यस और नो, तो वो कमिटमेंट में आते, तो अनकॉल्ड, अनकॉल्ड वो पोर्शन ऑफ शेयर जो अभी मांगा ना। अब समझ आया कि जब बैलेंस शीट शुरू हुई तो मैंने आपको कुछ कहानियां शेयर्स की भी क्यों बताई, कि बेटा स्टेजेस में पैसे आते हैं, एप्लीकेशन अलॉटमेंट हुई थी, ऐसी कोई डिस्कशन, तो इन सिचुएशंस के लिए कि बिल्कुल ब्लैंक ना हो, थोड़े से ब्लैंक हो सकते हो बट बिल्कुल ना हो, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। खैर ये तो आपने कोई शेयर खरीदा, 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने अभी 3 रुपए नहीं मांगे हैं, आगे जाके कभी भी मांग सकते हैं, तो आपको देने पड़ेंगे, आपकी कमिटमेंट है, ओके, और अदर कमिटमेंट्स। इसी के साथ शेयर्स की बैलेंस शीट की पीएचडी कंप्लीट हुई।